आज का हमारा प्लान 20x22 का है। एरिया 440 स्क्वायर फीट है और इसमें मैंने 2BHK का हाउस प्लान डिजाइन किया है। तो आइए इस प्लान को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो 20 फीट आपका चौड़ाई में ऐसे रहेगा और गहराई जो है 22 फीट रहेगा। तो यहाँ से इसका मेन गेट है, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेयर मिल जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज स्टेयर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट एंड बाथ मिल जाएगा और इस साइड में किचन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने लॉबी बना दिया, ये वाला एरिया आपका लॉबी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेडरूम दोनों, और ये जो है इसके दरवाजे हैं, ये आपका डाइनिंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया की तरह भी ये वाला एरिया यूज हो सकता है। तो आइए इसका साइज़ देख लेते हैं। उसके पहले जो है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे प्लान लेके आता रहता हूँ। तो मेन गेट पे आते हैं तो मेन गेट जो है 4 फीट चौड़ा रखा गया है फ्रंट में। मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 फीट चौड़ा स्टेयर मिल जाएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक, इधर भी आपको 3 फीट मिल जाएगा। और जो टोटल गहराई है ये 6 फीट है, इसमें जो है आधा आधा करके 3 फीट बना दिया गया है। अब जो है इसमें बनाया गया है, टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक रहेगा 10 फीट में ये बनाया गया है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 फीट रहेगा। अब जो है हमारा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है, जिसका साइज़ मैंने रखा है 4 फीट 4 इंची चौड़ा है और 6 फीट गहराई मिल जाएगी ऐसे। इसके बाद आते हैं अपने इस वाले एरिया में। तो ये वाला जो एरिया ये रहेगा 5 फीट चौड़ा, किचन रहेगा हमारा, किचन जो है, और यहाँ पर विंडो प्रोवाइड किया गया है। और जो गहराई होने वाली ये रहेगी 10 फीट 8 इंची गहराई। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है 10 फीट 8 इंची का स्पेस मिल रहा है, जिसमें कि आपका लॉबी या फिर डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं इसको, डाइनिंग एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं पीछे की साइड में बेडरूम में। तो बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट का रहेगा दोनों का, और जो बेडरूम का जो साइज है ये रहेगा 9 फीट 4 इंची चौड़ा और 10 फीट गहराई मिल जाएगी ऐसे। इधर भी आपको 9 फीट 4 इंची चौड़ाई, 10 फीट गहराई मिल जाएगी ऐसे। तो आइए देख लेते हैं इसमें कितने कॉलम हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें टोटल 9 कॉलम यूज हुआ है। तो काफ़ी लो बजट वाला प्लान है ये, 3 लाख के अंदर बन जाएगा। और इसके आउटर वाल जो हैं ये रहेंगे 5 इंच के, और इनर वाल भी रहेंगे 5 इंच के। तो दोनों वाल जो है 5 इंच के रहने वाले हैं। तो कैसा लगा प्लान कमेंट में बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।